आईसीसी इवेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो इस साल अभी ऑलरेडी इस वक्त एक आईसीसी इवेंट चल ही रहा है, अगर हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, लेकिन अब इसमें एक ऐसी टीम खेल रही थी नीदरलैंड्स, जहाँ पर उनका लास्ट मैच बचा हुआ है, इंडिया के खिलाफ उन्हें वो लास्ट मैच खेलना है। लेकिन आने वाले जो आईसीसी इवेंट्स है उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ सवाल हमारे पास आए थे कि किस किस्म के कितने स्पॉट्स रहने वाले हैं, कितने एशियड उसमें हो सकते हैं, क्या कुछ वगैरह। तो चलिए, जैसे कि बहुत ही बेसिक डिटेल्स है, ऑलरेडी रिलेटेड आपके सामने कई बार रखे भी हैं और आपको कई सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन्होंने पूछे थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक वीडियो में उन्होंने कहा कि चलिए इसे समझा दीजिए, चलिए हम इसमें समझा ही देते हैं आपको। सबसे पहले अगर बात करें हम इस साल का, तो ये वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं हो गया, इसमें एक एशियन टीम यहाँ पर एंट्री ली, जो कि बहुत बड़ी बात थी कि 10 टीमों में भी एक एशियन टीम एंट्री ली। कमाल का रहा कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के रहते हुए क्वालिफायर में एक एशियन टीम ने यहाँ जगह बनाई, वो तो काबिले तारीफ था, वो डेफिनेटली स्कॉटलैंड में स्पॉट डिजर्व करता था, लेकिन एट द एंड आखिर जिस तरह का सिनेरियो था कि स्पॉट ही इतने कम थे, उसके हाथ से एक श्रीलंका ने लिया और एक नीदरलैंड्स ने लिया। लेकिन अगले साल T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर हम बात करें तो वहां पर कितने स्पॉट्स वाला गेम होने वाला है? जरूर देखिए, वहां पर इस बार आईसीसी ने बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, वहां पर 20 स्पॉट्स हैं और 20 टीमें हमें खेलती हुई नजर आएंगी अगर हम देखें 2024 के लिए, जिसमें कि 18 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए, और दो स्पॉट बचे हुए हैं जो कि अभी 22 नवंबर से जो अफ्रीका रीजनल फाइनल्स है वो शुरू होंगे, तो वो दो स्पॉट भी कोई अफ्रीकन टीम लेके चली जाएगी और पूरी 20 टीमें बुक हो जाएंगी 2024 के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये इतना जरूर क्लियर है कि यहाँ पर इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में 8 एशियन टीम्स यहाँ पर कंफर्म रहने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 8 एशियन टीम्स हमें देखने को मिलेंगी, और जो 20 का जो वो होगा, जो 20 टीमों का जो T20 वर्ल्ड कप होना है, वो 5-5 के अलग अलग ग्रुप में बटने वाला है। 5-5 की एक ग्रुप में 5 टीम होंगी, ऐसे 4 अलग ग्रुप बनेंगे, उसमें से जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो खेलेंगी सुपर 8 आगे। बिल्कुल, कैशियर के पास बहुत अच्छा मौका रहेगा इस 20 टीम वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में। वहीं अगर 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, तो वहां पर एशियड्स के लिए कितना स्पॉट्स है, डेफिनेटली वहां पर कोई भी एशियड हमें खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर इस जो वर्ल्ड कप चल रहा है इस वक्त, यहाँ की टॉप 8 टीम्स खेलेंगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो कि होस्ट है उस टूर्नामेंट की। तो टॉप 8 टीम्स में नीदरलैंड्स के पास बहुत अच्छा मौका था, एक जब वो यहाँ पर खेल रहे थे, वो मेरे ख्याल से 8वें नंबर पर थे जब ये अनाउंस हुआ कि टॉप 8 टीम्स यहां से खेलेगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद उनके पास 3 मैच बचे थे नीदरलैंड्स के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें से 2 मैच हार चुके हैं और 1 मैच बचा हुआ है अभी इंडिया के खिलाफ। उस मैच में उन्हें जीत दर्ज करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं वो उस रेस में बने रहेंगे कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई कर पाए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अपील टास्क नजर आता है। तो इसीलिए 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमें कोई एशियन टीम देखने को नहीं मिलेगी, वहां पर टॉप 8 टीम्स रहेंगी और आठों की आठों फुल मेंबर्स यहां पर हमें देखती हुई नजर आएंगी। नीदरलैंड्स के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने इस मौके को कहीं ना कहीं गवा जरूर दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ लास्ट के 3 मैचेस में अपने सिर्फ 1 मैच जीतना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इसे कर पाए नहीं। तो 2025 में कोई एशियन टीम नहीं रहने वाली, 8 टीमें रहेंगी, आठों की आठों फुल मेंबर। उसके बाद 2026 T20 वर्ल्ड कप में क्या बीसी टीम रहने वाली है या कुछ और आगे बढ़ेगी टीमें? नहीं, बिल्कुल 20 का ही पर रखा गया है, 20 टीमों का ही फॉर्मेट यहां पर 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए है, जो कि श्रीलंका और इंडिया होस्ट करते हुए नजर आएंगे। और तो वहां पर भी सेम जैसे कि 2024 में होगा, जो फॉर्मेट, जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो, प्रोसेस, वो सब कुछ 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए सेम रिमेन वैसे ही रहने वाला। बिल्कुल, बस एक चीज जरूर हम चाहेंगे यहां पर, जरूर चाहेगा कि 2026 में कम से कम मिनिमम 8 एशियन टीम्स ना हो। ऐसे टीम्स को कोशिश करनी चाहिए कि एक दो स्पॉट जो है वो फुल मेंबर से भी आप छीन लें जब क्वालिफायर्स खेले से। आयरलैंड ने, स्कॉटलैंड ने यूरोप क्वालिफायर्स खेला, वहां पर एक जगह थी कि कोई और ऐसे टीम स्कॉटलैंड के साथ साथ कोई और ऐसे टीम पहुंच जाती, जर्सी के पास, इटली के पास मौका था, लेकिन वो कर नहीं पाए। इस अफ्रीका क्वालिफायर्स में जो जिम्बाब्वे भी आने वाली है, उनकी जगह कोई ग्रैब कर पाती, उतना आसान लग नहीं रहा। लेकिन तभी हम बात कर रहे हैं 2026 के लिए कि कम से कम वहां पर एक दो स्पॉट आप फुल मेंबर से भी लें, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कम से कम 10 ऐसे टीमें जाए तो और बेहतर रहे, बाकी होप ही कर सकते हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। उसके बाद 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो हम देखें लास्ट अभी का 50 ओवर वर्ल्ड कप का, तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में एंड क्या फिर से 10 टीम रहने वाली है, वहां पर कुछ बढ़ने वाली है? नहीं, जरूर देखिए 14 टीमें वहां आईसीसी ने इस बार बढ़ा दिया है, और ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हमें काफी वक्त बाद यह एक्सपेंड देखने को मिल रहा है, जो किया गया है टीमों के लिए 14 टीमें होंगी, और ऑब्वियसली यहां पर एसोसिएट्स के लिए काफी मौके खुल जाते हैं। अगर आप देखें ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अगर एसोसिएट ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और खूब कोशिश करें,
वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कि किसी फुल मेंबर्स को वो हरा कर, और अभी तो खाली आप देखेंगे तो दो स्पॉट है, दो स्पॉट तो कंफर्म्ड है, गारंटीड है। बिल्कुल सही कहा आपने, 12 फुल मेंबर्स और दो एसोसिएट, लेकिन ये ऐसा नहीं है, वहां पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी होंगे जहां पर बहुत बड़ा मौका होगा कि एसोसिएट कुछ कर सके। बिल्कुल, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे जैसी टीमों को डेफिनेटली आप देखिए इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी साइडलाइन कर दिया एसोसिएट्स ने, तो यहां पर भी उम्मीद रहेगी कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में दो स्पॉट्स तो कंफर्म है एसोसिएट के लिए, 13वें और 14वें नंबर के 12 फुल मेंबर्स होंगे। लेकिन जो लास्ट जो लोअर ऑर्डर के फुल मेंबर्स हैं जैसे कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, इनकी जगह भी आप लेकर कहीं ना कहीं अपने स्पॉट एसोसिएट्स वाले बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, और उम्मीद है कि 2027 में हमें देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली ये चीज हमें और ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि दो तो कैंडिडेट स्पॉट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी 2027 वर्ल्ड कप में वो रहेंगे, एक नामीबिया टीम से हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी, एक नेपाल टीम से एक्सपेक्टेशन रहेगी, और एक ओमान टीम से एक्सपेक्टेशन रहेगी, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड तो रहेंगे ही रहेंगे। इनके अलावा ये जो पांच टीमें हमने गिनाई, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ओमान, नेपाल, नामीबिया, इन पांचों से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप सेंध मारे और 2027 वर्ल्ड कप में सिर्फ दो एस्ट्रेट ना जाए बल्कि मिनिमम 3 से 4 एस्ट्रेट जाए तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगा। तो ये पूरा हाल है कि कब कब आईसीसी इवेंट्स में 2027 तक के लिए क्या कहाँ पर स्पॉट्स कितने कितने टीम्स के बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था उनको कहीं ना कहीं अपडेट इस वीडियो से समझ में आ गया होगा क्लियरिटी के तौर पर कि यह कुछ रहने वाला है। फिलहाल जो सबसे रिसेंट हम किसी एस्ट्रेट को आईसीसी इवेंट्स में देखेंगे वो अब होगा अगले साल T20 वर्ल्ड कप जो कि होना है USA और वेस्ट इंडीज में, 4 जून से उसकी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे एस्ट्रेट अपडेट्स के लिए दिल क्रिकेट के साथ बने रहिए। जरूर आए।